मॉर्निंग गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज हमारा मतलब जो ये दुर्गा पूजा का लास्ट दिन था, आज एकादशी था और आज ही के दिन हमारे यहाँ आसपास मेला लगता है। लेकिन मेला क्या लगेगा गाइस, अभी तो फिर भी लगेगा। चलिए, सुबह से पूरा भारी मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन चलिए अभी मेला लग जाएगा क्योंकि अभी धूप निकल चुकी है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसा मेला लगता है और क्या क्या हुआ। तो अभी मैं वैसे जा रहा हूँ मेला, कुछ थोड़ा मोड़ा सामान वामान लेने, क्योंकि अभी भीड़ नहीं होगी, शाम में फिर कुछ ले नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लूँगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्या बारिश से क्या हालत हुई और अभी कैसी धूप हो चुकी है। देखिए गाइस, अभी कितना साफ मौसम कर दिया एकदम धूप के साथ, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी बारिश भी हुई है। ये देखिए अभी कितनी बारिश भी हुई है, लेकिन अभी कुछ रात कल ऐसा हुआ था गाइस कि आए थे मतलब हम बहुत शाम में, हम लोग तो आए पूरा थक गए थे, अभी फिर सो हो गए थे और अभी मतलब सोए 1 बज गया, अभी का पता भी नहीं चला, थकान थी। तो अभी कुछ देर पहले उठा हूँ, तो चलिए अब पूरी तरह से फ्रेश हूँ। आज शाम को पूरा मस्ती होने वाला है, दोस्त सब भी आएंगे तो सबसे मुलाकात होगी। तो चलिए अभी जाते हैं फिलहाल, फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो गाइज़ अभी यहाँ बगल में ही मेरे घर के मेला लगा था, तो वहाँ मैं मेला गया था, वहाँ से थोड़ा बहुत चाट चाउमीन लाया क्योंकि चाट चाउमीन के बिना तो मेला अधूरा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये रही चाट और ये रही चाउमीन, तो चलिए अब इसे चाट चाउमीन का मज़ा लेते हैं मेला में। आप भी जाइए मेला घूमिए और चाट चाउमीन का मज़ा लीजिए। और तो मुझे लगता है 1 घंटे या अधिक से अधिक 2 घंटा के अंदर पूरा इलाका भीड़ से भर जाएगा। तो भीड़ में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अपने छत से आपको वो व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं, मेला लगना स्टार्ट हो गया है गाइज, आज मेला है। और अभी आप देख सकते हैं बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। आज का मेला ऐसा लग रहा है कि मेला का तो मत बोलिए ख़त्म एक तरह से। अब देखिए अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, अब छूट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज आप देख सकते हैं बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, एकदम पूरा मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से मेला तो नहीं ही हो पाया। तो बाकी जितने आदमी मेला देखने के लिए आए थे सब वापस लौट के जा रहे हैं, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही है तो मेला कहाँ से होगा। सब उदास होके निराश होके वापस लौट रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं बारिश की वजह से क्या हाल हुआ है, पूरा रोड में सब जगह बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिस वजह से सबको आने जाने में पूरा मुश्किल हो रही है। अब देख सकते हैं हम भी इसी बारिश के पानी में, हमारा जूता वगैरह सब कुछ पूरा भींग गया है, जूता पूरा पानी जूता के अंदर चले गए गाइज। हम लोग भी मेला देखने के लिए आए थे सभी दोस्त, लेकिन मेला तो हो नहीं पा रहा है इस बारिश में, लेकिन फिर भी हम लोग मज़े कर रहे हैं। बोला सोचे चलो आज इसी बारिश के पानी में मज़ा ले आ जाए। तो अब देख सकते हैं हम लोग इसी पानी में जा रहे हैं, बहाव देखिएगा इस कितना, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बारिश। क्या तुम ले रहा है? शूट कर रहे हैं ब्लॉग। हेलो गाइस, हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हम लोग सभी अपने दोस्तों के साथ अभी हम लोग मेले में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। अब तो खैर गाइस लगभग इसका डबल ट्रिपल भीड़ होता है, लेकिन बारिश के वजह से ये भीड़ जो है कम हो चुकी है, क्योंकि बारिश में बहुत कोई लौट के अपने घर चले गए, लेकिन अभी भी भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है गाइस। अभी भी देखा जाए तो बहुत भीड़ है।
इधर भी है। तो यहाँ पे देखिए गाइस कैसे पॉपकॉर्न बन रहा है और हम सभी दोस्त भी अभी यहाँ पे पॉपकॉर्न ले रहे हैं, इसके बाद थोड़ा बहुत सब मिलके पॉपकॉर्न खाएंगे। डेली ब्लॉग्स बना रहे हैं अभी 15। जैसा कि आपने देखा कि आज विसर्जन भी हो गया और आज दशहरा पूरी तरह से खत्म, आज मेला भी खत्म। आपने सभी कुछ देखा कि कैसे आज मेला में, मतलब ये मेला ऐसा लगा था बारिश ने बर्बाद किया, मेला हो गया, स्विमिंग पूल में मेला लगा था, ऐसा आज का सीन था। तो फिर भी लास्ट में बारिश भी खत्म हो गई, सब कुछ अच्छा तरीका से हो गया, विसर्जन भी हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आप सभी से एक नए ब्लॉग में। सो टिल देन बाय।